हार्दिक पांड्या को गलत आउट दिए जाने पर उनकी पत्नी नताशा ने क्या कहा, अंपायर के फैसले पर क्या प्रतिक्रियाएं दी है, हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विवादास्पद अंदाज में आउट हो गए हैं। हैदराबाद में तीसरे अंपायर द्वारा लिए गए फैसले ने भारतीय फैंस को निराश किया है। डैरिल मिचेल की एक डिलीवरी पांड्या को गेंद को बल्ले से दूर निकल गई। अतिरिक्त उछाल के कारण भारतीय बल्लेबाज इस गेंद पर पड़ने पर पूरी तरह से चूक गए। रिप्ले में देखा जा रहा है कि गेंद स्टंप्स के ऊपर चली गई लेकिन गिल्लियां गिर गई। स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ऐसी संभावना थी कि विकेट कीपर टॉम लथन के दस्तानों से स्टंप से हिल गए हों। वी रिप्ले के बाद तीसरे अंपायर ने माना कि विकेट कीपर द्वारा पकड़े जाने से गेंद गिल्लियों को छुआ जिससे उनकी लाइट जल गई। हालांकि वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि गिल्लियां विकेट कीपर के दस्तानों से गिराई गई थी। हार्दिक पांड्या 38 गेंदों में 28 रन बनाकर बॉल आउट घोषित कर दिया गया। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा इस फैसले से नाखुश दिखे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इससे लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कोई बल्ला शामिल नहीं था, बॉल्ड नहीं किया गया था तो यह कैसे आउट हुआ। पांड्या के विकेट को लेकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी सवाल उठाए। फैंस ने अंपायर के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। आप लोग जानते ही होंगे अंपायर का फैसला अंतिम निर्णय होता है। आपको क्या लगता है, इस तरह से बल्लेबाज को आउट दिया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।